हेलो डियर ऑल वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस एडुफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड कोर्स स्टडीज ऑफ प्ले ग्रुप टू क्लास ट्वेल्व इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैप्पीनेस क्लासेस एंड एक्टिविटीज हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और आज मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है दो आलसी सहजपुर नामक गांव में दो बच्चे रहा करते थे एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था मोहन वह अपने घर में अपनी माँ के साथ में रहा करते थे लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी थे जिसके कारण उनकी माँ परेशान रहती थी जब भी उनकी माँ किसी काम के लिए कहती वह बात के लिए टाल दिया करते थे एक दिन वह सो रहे थे उनकी माँ ने आवाज़ लगाते हुए कहा बच्चों उठो लेकिन वह सोते ही रहे अरे सोहन बेटा उठो सुबह हो गई है मोहन लेकिन कोई भी नहीं उठा अब ऐसे ही एक दिन एक आम के पेड़ के नीचे वह सो रहे थे कि अचानक से उनके बीच एक आम आकर के गिरा और बच्चों ने भूख भी लग रही थी किंतु अपने आलस के कारण वह आम को उठाते ही नहीं हैं वह देखते ही रहते हैं और किसी के आने का इंतजार करते कि कोई आए और वह उन्हें आम उठा के दे दे तभी दूर से आते हुए उन्हें राजमहल में के मंत्री दिखाई देते हैं अब वह दोनों आवाज़ लगाते हैं यह देखिए अब जब वह आ जाते हैं तो सोहन कहता है अरे सुनिए सुनिए मंत्री जी आ, ये जो आम देख रहे हैं ना इसे हमें उठा कर के दे दीजिए अरे तुम लोग ये क्या कह रहे हो ये तो आम तुम्हारे बीच में पड़ा हुआ है इसे तो तुम खुद भी उठा सकते हो और देखिए हम उठा तो सकते हैं मगर ये आप उठा दीजिए अब इस पर मंत्री कहते हैं तुम लोग कितने ज़्यादा आलसी हो मैं नहीं उठाऊँगा अरे और सुनिए सुनिए अब इतना कहते ही वह वहाँ से चले जाते हैं और उनके घर पे उनकी माँ के पास जाकर कहते हैं अरे आपके बेटे तो कितने ज़्यादा आलसी हैं जी आप सही कह रहे हैं मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उनको सुधारने का कोई तरीका बताइए मैं आपकी आभारी रहूँगी जी जरूर आप ऐसा कीजिए कल उन्हें महल में भेज दीजिएगा अब वह वहाँ से चले जाती हैं अब थोड़ी देर बाद बच्चे आते हैं तो उनकी माँ कहती है कि कल तुम लोग राज दरबार जाना महल जाना अब वह अगले दिन राज महल हैं राजा के सामने जाती हैं अब राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें काम पर रखूँगा तुम मुझे आ, आसान सा काम करके देना अब वह बोले क्या है तो बोले तुम ज़्यादा काम तो कर नहीं सकते हो इसीलिए तुम रात को राजमहल की निगरानी रखना अब वह राजमहल की निगरानी रात में रखते हैं ये देखिए किंतु अपने आलस के कारण वह रात में सोने लगते हैं देखिए कुछ देर तक बैठे रहते हैं फिर गहरी नींद में सो जाते हैं अब जब वह गहरी नींद में सो रहे होते हैं उसी समय महल में चोरी हो जाती है अब वह जब उठते हैं तो उनके सामने मंत्री होते हैं हाँ, अरे राज महल में चोरी हो गई है अरे आप ये क्या कह रहे हैं देखो तुम लोगों ने सही से देखभाल नहीं की है अब तुम्हें तो मृत्युदंड मिलेगा चलो राजा के सामने उपस्थित हो जाओ अब इतना कहकर गुस्सा करते हैं मंत्री अब वह महल में राजा के समीप जाते हैं अब देखिए मंत्री तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वह पसीने पसीने हो जाते हैं मृत्युदंड का नाम सुनते ही कि अब उन्हें मृत्युदंड मिलेगा अब वह राजमहल में आते हैं वहाँ पर पिंजरे में एक शेर होता है जिसे देखकर तो वह और भी ज्यादा घबरा जाती है वह कहते हैं महाराज हमें माफ़ कर दीजिए ये तो बड़ा भया ही भयानक शेर है यह हमें खा जाएगा अब इस पर राजा कहते हैं देखो हमारे महल में चोरी हो गई है यह सब तुम्हारे आलस का ही नतीजा है तुम हमसे वादा करो कि तुम कभी भी आलस नहीं करोगे अब इस पर दोनों भाई राजा से वादा करते हैं कि वह आलस नहीं करेंगे अब वह आलस करना छोड़ देते हैं और राज दरबार से चले जाते हैं और अपनी माँ के साथ आराम से रहते हैं अब उनकी माँ को भी उन दोनों बच्चों से कोई भी शिकायत नहीं होती है तो प्यारे बच्चों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से शिक्षा मिलती है हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए ओके बच्चों गुड बाय यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग